Hello my dear students, I welcome you all better. Today we are going to discuss graphical representation of rate of a reaction. कोई भी reaction है उसका rate graphically कैसे represent करें हम इसके बारे में discuss करेंगे बेटा आज के lecture में. Okay, you know very well in general बेटा rate of any reaction or in general in any reaction reactants convert in products. As the time passes then concentration of reactants decreases and concentration of products increases. This you know very well up to this time. Okay, कि time के साथ साथ reactants consume होते जाते हैं, meaning की concentration कम होती जाएगी, decrease होती जाएगी and converting products. So products की concentration increase होती जाएगी बेटा. Okay, now अब अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें रेट को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम के साथ हमें कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है. और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिएक्टेंट्स के टर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म्स में. ओके, नाउ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बेटा यहाँ पर ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको दिस सपोज अलोंग एक्स एक्सिस बेटा वी टेक टाइम इन मिनट्स ले लेते हैं, आपकी मर्जी है सेकंड्स में ले लो आवर्स में ले लो आपकी मर्जी है, टाइम इन मिनट्स ले लिया हमने एक्स एक्सिस के अलोंग. एंड अलोंग दिस वाई एक्सिस सपोज आई कंसीडर हेयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स दिस अलोंग वाई एक्सिस इंक्रीजेस. ठीक है यहाँ पर बट यू नो वेरी वेल बेटा एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस दिस मीन दैट एट जीरो टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम. दिस एट दिस जीरो टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा बेटा मैक्सिमम होगी जीरो टाइम पर. एट जीरो टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम. ओके, नाउ एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन डिक्रीजेस सो वी गेट ए कर्व ऑफ दिस टाइप. इसलिए हमें इस टाइप की कर्व मिलेगी. एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती जा रही है, टाइम इंक्रीज होता जा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती जा रही है, इस टाइप की कर्व आपको मिलेगी बेटा. अब रेट हमने दो टाइप के डिस्कस किए थे, इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, दो टाइप के थे. सपोज मैं पहले एवरेज रेट दिखा देता हूँ इसके अंदर, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. अगर हमें एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकली फ्रॉम दिस ग्राफ देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस बेटा, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एवरेज रेट होता क्या बेटा, रेट ऑफ ए रिएक्शन और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. अगर मैं रिएक्टेंट्स के टर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स चेंज होगी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. एवरेज रेट अगर कंप्लीट आप एक्सप्लेन करेंगे तो द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद टाइम, और विद टाइम में क्या आ जाएगा यहाँ पर इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम आ जाएगा. 10 सेकंड से 15 सेकंड है, T1 से T2 में यहाँ पर अज्यूम कर लेता सपोज उसी को. ओके, की वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम दिस ग्राफ इन बिटवीन दीज टाइम्स T1 एंड T2. दिस इज T1 टाइम एंड दिस इज T2 टाइम. T1 एंड T2 टाइम पर आपको ग्राफ से रेट कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है. तो कैसे, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस बेटा, जो भी टाइम पीरियड हमें गिवन है उन पर्टिकुलर टाइम्स पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आप यहां पर चेक करेंगे, इन पर लाइन ड्रॉ करेंगे हम पैरेलल टू वाई एक्सिस. ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी T1 टाइम पर. नाउ जहां भी इसको इंटरसेक्ट करेगा मीन दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम T1. इस कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करें, कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस. तो क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से दिस मीन दिस इज द कंसंट्रेशन T1 टाइम पर. अज्यूम कर लिया सपोज हमने X1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट्स एट टाइम T1. ओके, सिमिलरली एट टाइम T2 बेटा इफ यू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस, ये आ गया पॉइंट, ये कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू दिस अगेन एक्स एक्सिस, देन दिस इज द कंसंट्रेशन X2. टाइम के साथ क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज होती है ना, देखो डिक्रीज हो रही है, X1 इज मोर देन X2. ठीक है ना,
मीन एक्स टू इज लेस देन एक्स वन, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, ये बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। ओके नाउ, तो एवरेज रेट क्या था रिएक्टेंट्स के टर्म में, टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, डिक्रीज के लिए साइन लेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगा दिया बेटा। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मीन चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस एक्स टू माइनस एक्स वन ओवर टाइम टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन ये आ गया, और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दिस इज एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। आपने कैलकुलेट कर लिया बेटा, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बाय दिस ग्राफिकल मेथड, बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आप ध्यान से करेंगे तो। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स के टर्म में हमने एवरेज रेट कैलकुलेट किया है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के टर्म्स में इंस्टेंटेनियस रेट हम कैलकुलेट करना चाहें तो अगेन हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ये जीरो कंसेंट्रेशन, along this beta y axis हम assume कर लेते हैं फिर से, this is concentration of reactants along y axis represent कर दिया आपने, this ऊपर जाएंगे तो increase होती जा रही है, along this x axis this is time, और time beta क्या होता जा रहा है, in minutes ले लिया आपने, this time in minutes, okay in that, now फिर से वही suppose ये concentration zero time पर, time के साथ साथ concentration decrease होती रहेगी, तो we get a graph of this time। अब इंस्टेंटेनियस रेट आपको कैलकुलेट करना है, आर इंस्टेंटेनियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिएक्टेंट्स के लिए इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, क्यों रिएक्टेंट्स के टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, एक पॉइंट बस हमेशा माइंड में रखना है। अब इंस्टेंटेनियस रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मीन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम कैलकुलेट करेंगे, हमने कह दिया कि भाई इस टाइम पर रेट कैलकुलेट करो, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टाइम, व्हाट इज रेट ऑफ द रिएक्शन एट दिस टाइम, किसी भी टाइम पर हमसे रेट पूछ लिया जाए, जिस भी टाइम पर रेट पूछा है वो पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर टाइम, तो क्या करें इस टाइम के टाइम पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इंटरसेक्ट दिस कर्व, इस कर्व को कट करें, एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट किया इसने सपोज इस कर्व को, ओके दिस दिस इज द पॉइंट, इस पॉइंट पर आपको रेट कैलकुलेट करना है, क्या रेट होगा इंस्टेंटेनियस रेट, तो क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए जिस भी टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करना है, एक पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मैथमेटिक्स थोड़ा सा यूज कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पर, ड्रॉ ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ड्रॉ कर दिया टेंजेंट आपने, एंड एक्स्ट्रा प्लॉट दिस टेंजेंट, इस टेंजेंट को एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो, दिस विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट आ गए, दिस इज कंसंट्रेशन आ गए बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन आ गए, यहां से आपको डी एक्स मिल जाएगा यहां पर दिस, और दिस इज बेटा डी टी, चेंज इन टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, डी एक्स एंड डी टी दोनों मिल जाएंगे आपको बेटा, दिस चेंज इन कंसंट्रेशन एंड चेंज इन टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट यही होता था, और वी कैन से मैं बता देता उसको ओ ए एंड दिस इज पॉइंट ओ बी, मैंने पॉइंट सर्च किया इसके, दिस इज ओ ए दिस इज ओ बी, ओके बेटा। नाउ हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस रेट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको बेटा ग्राफ से, तो कैसे होगा दिस इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्टेंट्स के टर्म में, अगेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है टाइम के साथ, हो गई डिक्रीज, इसके बाद क्या करें डिक्रीज होती है तो आगे आपको यहाँ पर क्या आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन और डिनोमीटर में चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन कहाँ y एक्सिस कह रहा हूँ, दिस इज ओ ए, ओ ए अपॉन ओ बी, दिस ओ ए अपॉन ओ बी याद है, ठीक है। अब दिस इज नथिंग बट क्या होता है बेटा है ना, और आप इसको ओ ए ओ बी कहें, डी एक्स डी वाई और हम लिख सकते हैं, दिस इज आर इंस्टेंटेनियस क्या होता है माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी, याद है डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है यही डिस्कस करते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब डी एक्स क्या है दिस ओ ए, डी टी क्या है दिस ओ बी, ठीक है ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर देंगे इसको, ओके दिस ओ ए अपॉन ओ बी, अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, दिस राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, अगर मैथमेटिक्स आप अप्लाई करें यहाँ पर तो टेंजेंट ऑफ थीटा अगर कैलकुलेट करें तो कैसे आता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मीन दिस OA अपॉन OB, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही है, दिस इज नथिंग बट टेंजेंट, क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट इज नथिंग बट नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस, ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, बिल्कुल ईजी है। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड केस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये ए था, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंस था बेटा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर हमें प्रोडक्ट्स की टर्म में कैलकुलेट करना है, ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के टर्म्स में, देखिए बेटा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज, ग्राफ हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होती है, इंक्रीज होती है टाइम के साथ, तो हम इस ग्राफ को चेंज करेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज दिस ग्राफ, ठीक है। पहला काम तो आपका यही रहेगा कि हमें ग्राफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा यहाँ। ओके, नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो प्रोडक्ट्स को, टाइम के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो वी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ, हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जीरो टाइम पर जीरो ही होगी प्रोडक्ट्स की, एज द टाइम पासिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेज एंड वी गेट ए कर्व ऑफ दिस टाइम, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है टाइम के साथ साथ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगी, इंक्रीजेज विद टाइम। अब एट दिस टाइम टी वन टाइम पर क्या होगा, एट दिस टाइम टी वन टाइम पर क्या होगा बेटा, सपोज दिस एट टाइम t1 दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये कंसंट्रेशन आ गई, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गया बेटा x1। सिमिलरली एट टाइम t2 टाइम पर फिर से वही उसी तरह जैसे हमने रिएक्टेंट्स के केस में किया था, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू दिस y एक्सिस एंड देन जहां भी इंटरसेक्ट करें इस कर्व को, ड्रॉ दिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आ गया x2, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज, मीन फाइनल कंसंट्रेशन मोर होगी देन इनिशियल कंसंट्रेशन, वही तो हुआ, इंक्रीज होती जा रही है, x2 इज मोर देन x1 एज द टाइम पासेस, है ना, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन t1 टाइम पर लेस होगी, t2 टाइम पर जाएंगे तो मोर कंसंट्रेशन होगी उसकी। अब कैसे रिप्रेजेंट करें, फिर से वही एवरेज रेट अगर कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर वही x2 माइनस x1 फाइनल में से इनिशियली सेपरेट करना है अपॉन t2 माइनस t1, वही सेम मीन प्लस ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, याद है, सिंपल। ओके, नाउ सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना है, इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो कैसे रिप्रेजेंट करें, देखिए अगेन फिर से वही एक पॉइंट चेंज करना है आपको बेटा, वी रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, फिर से ग्राफ को चेंज करेंगे हम एज द टाइम पासिस, ये देखो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होती जाएगी। नाउ अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होगी, दिस पोज एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपको रेट कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर आपने चेक किया दिस, ये कर्व पर ये पॉइंट आया, अगेन क्या करना है, ड्रॉ एक टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, ड्रॉ ए टेंजेंट, दिस टेंजेंट ड्रॉ कर दिया एट दिस पॉइंट, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो बेटा एट दिस पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर वही पॉइंट बेटा क्या, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद अब आप अगर इसका स्टेटमेंट पर, यहाँ तो कट कर जाएगा ये, आगे तो नहीं, एक्स एक्सिस को तो कट नहीं करता, तो क्या करें फिर, इसका सोल्यूशन कैसे करें, दो लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये बड़ी छोटी ट्रायंगल का कोई चक्कर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इसमें बिल्कुल पजल मत होना। अगर ट्रायंगल आप बड़ी ले लेंगे, इसको ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया है, तो उतनी ये अगर पोर्शन बड़ा हो जाएगा, दिस परपेंडिकुलर की लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो बेस की लेंथ बढ़ जाएगी साथ के साथ, है ना, जितना चेंज इसमें आएगा क्योंकि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, जितना चेंज ऊपर जाएंगे उतना चेंज, जितना ज़्यादा चेंज कंसंट्रेशन होता जाएगा उतना ही ज़्यादा चेंज टाइम में भी तो होता जाएगा, ठीक है, डू नॉट गेट पजल, आप छोटी ले ट्रायंगल बड़ी ले रेट सेम आएगा, यहाँ पर चेंज है जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम, वो क्या नाम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम है जो, वो सेम ही दिखाई देगा यहाँ पर आपको, आप
कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी आपके हर बार, ठीक है ना। हाँ जी, इसमें पजल नहीं होना आपको कि आप छोटी ट्रायंगल बना दो बड़ी ट्रायंगल, उस पर्टिकुलर टाइम पर रेट वही आएगा, फिक्स आएगा, ठीक है। नाउ तो सपोज हम मान लेते हैं कि दिस इज पॉइंट ओ, या फिर इसको ओ मान लेता हूँ, दिस ओ, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट बेटा, ओ ए बी, दिस इज द ट्रायंगल, ओ ए बी राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आ गया, दिस ए बी इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्सेक्ट वाई एक्सिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ से ये आ जाएगा दिस, इसके अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो दिस चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया आपका डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली दिस इज चेंज इन टाइम, यहाँ से आ जाएगा आपका डी टी चेंज इन टाइम, है ना। यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन पैरेलल टू, यहाँ पर चेंज इन टाइम आ जाएगा, इसी तरह यहाँ से ये कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन, यहाँ से फाइनल और यहाँ से इनिशियल मेजर कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी टी वही डी एक्स अपॉन डी टी, बट साइन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव, साइन विल बी पॉजिटिव, अंडरस्टैंड किया पॉइंट, क्यों कंसंट्रेशन पड़ोस टाइम के साथ क्या होती है इंक्रीज होती है, फिर से इंस्टेंटेनियस रेट, यहाँ पर ये क्या आ गया ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है ना, दिस बिकम्स ए बी अपॉन दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन ओ बी, ये आ गया, ओके। एंड दिस इज ए बी अपॉन ओ बी क्या, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम प्रोडक्ट की टर्म में देखते हैं, दिस इज पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स करना था, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अलोंग वो एक्सिस इंक्रीज होती जा रही है, ये इंक्रीज होती गई, टेंजेंट ड्रॉ करते उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ओके। यहाँ से आपको ये डी टी पता चल जाएगा, यहाँ से डी एस पता चल जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इन दिस वे बेटा वी कैन रिप्रेजेंट ग्राफिकली रेट ऑफ ए रिएक्शन, ओके। थैंक्स अ लॉट।